अस्सलामुअलैकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो असाइनमेंट सबमिट कराना था इसलिए देर हो गई। खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? कैफेटेरिया से बर्गर खा लिया था मैंने। तौबा है, ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने। बस खत्म करो ये पढ़ाई वढ़ाई। पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या कर लूंगी? शादी करूंगी तुम्हारी और क्या। अब्दुल कादिर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब्दुल कादिर का वाकई कुछ पता नहीं चला है। मीरा को पूरे 3 दिन बाद होश आया है। तुम्हें टाइम मिले ना तो उसको पूछने चली जाना। मम्मी मैं अभी आती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही हो, अभी तो आई हो तुम। वो जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जरूरी काम याद आ गया। खुदाफिज। अरे मेरी बात तो सुनो। अजीब लड़की है। अरे वाह, तो तुम सूप भी बना लेती। बस पापा के लिए बनाते बनाते सीख लिया था। वाह, देखते हैं कि कैसा सूप बना है। अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। वाह, तुम बहुत अच्छा सूप बना लेती हो। थैंक यू। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई कभी खाना जल जाता था, कभी कच्चा रह जाता था, कभी नमक तेज, कभी नमक बिल्कुल फीका। सिद्दीकी को बहुत टफ टाइम दिया मैंने। सिद्दीकी अंकल इज रियली स्वीट। हाँ, बहुत पैम्पर किया उन्होंने मुझे, कभी कुछ नहीं कहा। अब्दुल कादिर भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। आर यू सीरियस? कॉफी तो खैर बनाता ही था। मैं सोचती हूँ उसकी बीवी कितनी लकी होगी कि उसका शौहर इतना सुगढ़ है। आयशा आओ ना। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। अब्दुल कादिर का पता लग गया है। तुम ये मत समझना नील कि मैं तुम्हें भूल गया। मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं सकता। जानती हो मौली साहब कहते हैं कि फैज उनसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह तुम भी मुझसे कभी जुदा हो ही नहीं सकती। तुमसे मैंने मोहब्बत नहीं अकीदत की है। अकीदत मोहब्बत से बुलंद दर्जा होता है। मोहब्बत में तो हम रूठ जाते हैं, खफा हो जाते हैं, मगर अकीदत, अकीदत में हम सिर्फ सर झुकाकर पीछे चलते हैं। देख लो, मैं तुम्हारे पीछे चलते चलते फिर तुम तक आ पहुंचा हूं। आज मैं फिर उसी मुकाम पर खड़ा हूं नील, जहां पर तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं तो काफी देर से आ गया था। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझे। हाँ सच्ची कह रहे हैं,
तू तो मेरे पास बहुत अरसे पहले आ गया, मैं नहीं जाने में देर, अब तक चले जाना चाहिए था मुझे। ऐसी बातें नहीं करते फैज। कसमें तेरे आने का मौजूदा ही, वरना अब तक ना तू मुझे अपने सामने नहीं पाता। तेरे प्यार ने, तेरी मोहब्बत ने बांध के रखा होता मुझे, मगर कदम था एक दिन सांध टूट टूट जाएगी। तुम सिर्फ मायूसी की बातें क्यों करते हो? जिंदगी की रोशनी की उम्मीद की बात क्यों नहीं करता? वो जिंदगी जो तेरे अंदर सांस ले रही है, वो रोशनी जो तेरा माजी था, जो तेरा फखर था, वो उम्मीद जो तुझे अल्लाह से रखनी चाहिए। तानिया कन्ना रुठ गए मेरे, तुम मनाओ ना। याद है जब मैं तुमसे रूठ जाया करता था तो मुझे फौरन से मना लिया करते थे। ये सब कुछ तो तुम्हारे भाई हाथ का खेल था फैज। पता है मौलवी साहब मुझे तुम्हारे बचपन के इतने किस्से सुनाया करते थे। फैज कितना शरारती था, सारे मोहल्ले की नाक में दम करके रखता था। बुढ़िया शिकायतें आती थी घर पे, और मेरी बेचारी अम्मा जी हर बारी मुझे मार से बचाने के लिए बीच में आ जाती थी। बड़ी बुढ़िया शैतानियां थी, सुबह सवेरे लोगों के घरों के बुए बजा के दौड़ जाना, बुजुर्गों के पैरों में पटाखे खोल देना, दो तीन के तो मैंने सर भी खोल दिए गुल्ली बार, कंचे भी चुरा के ले आता था मैं तो बच्चों। और उस रात अपा जी के जब्त की इंतहा हो गई थी, जब मैं तन्नों को भगा के अपने घर ले आया, ओए कितना निडर और बेखौफ हो गया था मैं। अपने प्यो के सामने एक कुड़ी को उसके पूरे खानदान से चुरा के ले आया, वो तो मेरी किस्मत खराब। अब्बा जी ने ही बुआ खोल दिया। सर्दियों की बड़ी तरीक ते गहरी रात सी, पर अब्बा जी उसले एक लफ्ज ना बोले मैनु, बस उन्होंने जो चादर ओढ़ी हुई थी ना वो उतार के उस तन्नों को पहना दी और खामोशी से उसे लेके अपने साथ चल पड़े। रोज जवान दी बची वो भी नाल ही चल दी, सोचे क्यों जिड़ी कुड़ी मेरे नाल दम भरने वाली लड़की अब्बा जी की एक नज़र की ताब ना ला सकी। वापस आकर अब्बा जी ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। इतना मारा कि आज भी मेरी कमर पर पड़ने वाले उस बेड की आवाज मुझे झंझोड़ के रख देती है। बस फिर उस दिन के बाद मैनू दुनिया की हर औरत तो नफरत हो गई, अतबार ही उठ गया। फिर मैं हमेशा के लिए उस कार को छोड़ के अब्बा जी को छोड़ के भाग आया, पर ये क्यों? फिर उसके बाद मैंने एक
कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की, बस उसे इस्तेमाल ही किया। फैज, तुम्हें डॉक्टर्स ने बोलने से मना किया। ओ बोलने दे यार, बोलने दे, फिर खामोशी हो जाना है हमेशा के लिए। ए क्या वो मैं काम कर दे यार, बोलो। मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने अस्पताल में नहीं रहना, मुझे कार ले चला, नहीं मरना मैंने। और जाओ चिट्टे को समझा जाके, वो बड़ा तंग कर रही है, कार ले चलो। आप बहुत खुशनसीब खातून हैं जी, क्या आप अब्दुल कादर जैसे बेटे की माँ हैं। अब्दुल कादर जैसी औलाद किस्मत वालों को मिला करती है। मैंने उसकी कदर नहीं की मौलवी साहब, वो मुझसे रूठ के चला गया। मैं हैरान हूँ जी, उसने ऐसा क्यों किया है? वो तो बड़ा मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला पुत्र है, आखिर वो आपको इस तरह जुदाई का गम दे के कैसे जा सकता है। आप सही कहते हैं मौलवी साहब, जब से वो बदला है उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, बहुत बेबस हो गया था। उसे यही आसान लगा कि वो मुझसे दूर भाग जाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिए मौलवी साहब। आप माँ हैं, माँ की दुआ में बड़ी तासीर होती है। इंशाल्लाह वो जल्द वापस आएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप ये स्कूल देख रही कि सब अब्दुल कादर की कोशिशों के नतीजे ही तो है, हैं? आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह जरूर आएगा, जल्द साड़ा पुत्र वापस आएगा। मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहती हूँ मौलवी साहब, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अब्दुल कादिर के मिशन में उसका साथ देना चाहती हूँ। जरूर साथ दें, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। इन बच्चों के लिए कोई उस्तानियों का इंतजाम हो जाए, इनके बैठने की जगह बेहतर हो जाए, जितने बच्चे बढ़ेंगे ये तो आपके लिए सदका जारिया है, बहुत खुशी की बात। आप बहुत खुशनसीब खातून हैं जी, क्या आप अब्दुल कादर जैसे बेटे की माँ हैं। बस पहुंचने वाली। कौन? बचपने में जब छोटे थे तो ट्रेन की पटरियों पे सिक्का रख के ट्रेन आने का इंतजार करते थे। जैसे जैसे ट्रेन करीब आती थी ना, हमारे दिलों की धड़कने तेज होने लगती। और फिर उसके बाद मनो भारी ट्रेन जो है वो सिक्के से गुजर जाती थी। मैं भी इस वक्त अपने आप को सिक्के की तरह महसूस कर रहा कि मेरे ऊपर से भी मौत की ट्रेन गुजरने वाली है। तो
तुम सुधरेगा नहीं। लेता आप पागला हाँ सुधर के की करना ही पता मेरी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें पाकिस्तान ले जा सकते हैं, मैं कल सारी बुकिंग्स वगैरह करा लूंगा फैसला। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन क्यों? मौत की ट्रेन गुजर जाने की, अबा जी इस हालत में देखेंगे ना सह नहीं पाएंगे। आप भी लेना आंटी। अरे तुम्हारी आंटी मॉडर्न खातून है, इन्हें ये हलवा शलवा नहीं पसंद है। अरे नहीं भाई, मेरी बेटी इतनी मोहब्बत से बना कर लाई है, मैं जरूर चखूंगी। ओ गॉड क्या हुआ? मैंने कबाब फ्राई पैन में रखे थे तलने को, वो तो जल गए होंगे अब तक। I'm just coming। कितनी रौनक हो गई है इसके आने से यहाँ। दिल चाहते से हमेशा के लिए इस दफा अब्दुल कादिर आए तो उससे बात करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। आंटी अंकल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बाबा ने स्कूल का इंतजाम कर लिया है। ये देखे फाइल, शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है और जगह की कीमत भी अच्छी है। गुड न्यूज एवरीवन, कबाब भी नहीं जले, मैं उनको बचा लिया। ओ हाय हाय। फैज 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 एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ अभी। जस्ट रिलैक्स। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मीरा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था, मुझ पे तो एतबार करना चाहिए था। मैं क्या करती शफक, अपने जानने वालों के तल्ख रवैये और आयशा के उखड़े हुए मिजाज की वजह से मैं डर गई थी। मुझे लगा अब्दुल कादिर को इस बदली हुई सोच और बदले हुए हुलिये के साथ कोई कबूल नहीं करेगा। तुमने अब्दुल कादिर को अंडर एस्टिमेट किया है, इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में हम जिस माशरे में रूल कर रहे हैं वहां लोगों के जाहिर को देखा जाता है, और अब्दुल कादिर का जाहिर और बातिन दोनों खूबसूरत हैं। इस बात का एहसास मुझे आयशा ने दिलाया। से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे लगा अगर मैंने अब्दुल कादिर की पहली शादी के बारे में बता दिया तो तुम और सुबैर भाई शायद। असल में अब्दुल कादिर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो अपने रिश्ते की इब्तिदा ही हकीकत और सच्चाई से करना चाहता था। यहाँ तो लोग ऐसा है कि जब रिश्ते की इब्तिदा होती है तो झूठ ही झूठ बोलते हैं। Is everything all right? हाँ मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? ज़रीन और आयशा के बारे में। तुम फिर गलती कर रही हो। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या मतलब है। बिल्कुल डरा दिया था तुमने मुझे आज। सब ठीक हो जाएगा। अब जी के बारे में बताओ। अब जी
मौलवी साहब, क्या बताऊं तुझे उनके बारे में? बड़ा याद करते हैं तुझे फैज़, हर वक्त तेरे बारे में ही बातें करते थे बस। पता, मैं जब तेरे घर जाता था ना तो अपने हाथों से अदरक वाली चाय पिलाते थे मुझे। ठीक कहता था तू, वाकई बड़ी मजे की चाय बनाते थे वो। तेरा घर तो बड़ा हले गुले वाला है यार। तेरे सारे भाई, उनके बच्चे, तेरी भाभियां, सब बड़े प्यार करने वाले, बड़ा ख्याल करने वाले लोग हैं सारे। बड़े मजे में है मौलवी साहब। बस एक बात की उदासी है उनको, सिर्फ तुझे लेकर। उनकी बातों में, उनकी हंसी में एक उदासी सी थी। तूने गलत किया फैज, इस तरह मां बाप को कोई अकेला छोड़कर आता है क्या भला? बस अब जरा सी तेरी तबीयत संभलेगी ना तो मैं तुझे वापस लेके जाऊंगा पाकिस्तान। एक नहीं सुनूंगा तेरी, एक नहीं चलने दूंगा। सुना तो? फैज मेरा झूठ सुनने के लिए तू थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता था? आज दाद नहीं देगा मुझे। हमेशा कहता था है क्यों तू झूठ नहीं बोल सकता। देखना आज तेरे लिए कितनी आसानी से, कितने आराम से इतने सारे झूठ बोले। गुड न्यूज एवरीवन, कबाब भी नहीं जले, उनको बचा लिया। हाय हाय। इस बात का फैसला अब्दुल कादिर को करने लो, ये उसका हक है। वो जब वापस आएगा तो वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का। और वो मेरी बात नहीं टालेगा, बल्कि वो मेरी बात तो मान भी चुका है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं आयशा से उसकी पहली शादी को ना छुपाऊं। और आप जानते हैं सदीकी, आयशा को या शफक को उसकी पहली शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जानती हो ना कि अब्दुल कादिर को जरी से मोहब्बत है, आज से नहीं, बहुत पहले से। बहुत सोचा है मैंने, बहुत गौर किया है आयशा और जरीन के बारे में, लेकिन पलड़ा हमेशा आयशा का ही भारी निकला। तुम फिर गलती कर रही हो। आयशा का पलड़ा इसलिए भारी है कि आयशा तुम्हारी पसंद है, पर तुमने हमेशा अपनी पसंद को फौकियत दी। मीरा प्लीज, मां बनकर सोचो तो फिर तुम जरीन को रिजेक्ट नहीं कर पाओगी।
मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती हूँ सिद्दीकी। आप जरीन के बारे में वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। मैं जरीन को अब्दुल कादिर की जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। ये मत भूलो मीरा कि जरीन वो लड़की है जिसने तुम्हें मायूसी के अंधेरों में से निकाला है। तुम चाहो भी तो उसका एहसान नहीं बुला सकती हो। हेलो सच? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादर औलाद मर जाए ना तो माँ बाप को सब्र हो जाता है, लेकिन खो जाए तो सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है पुत्र, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज आज मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने बरसों गुमशुदा की जुदाई का अदाब सया है अब्दुल कादर, लेकिन आज मेरा अदाब खत्म हो गया। मौलवी साहब बहुत साथ दिया है पुत्र तूने मेरा, फैसला तू बड़ा साथ देता। अब पुत्र तू अपने घर जा। नहीं मौलवी साहब, आपको छोड़ के जाने का जी नहीं कर रहा। तुझे जाना पड़ेगा पुत्र, तेरी माँ ऐसी बहुत परेशान है वो। कब आई? बस अभी अभी आई। कैसी हो अमीरुन्निसा? अरे तुम रो क्यों रही हो? माफ कर दीजिए, मैंने आपसे आपका बेटा छीना था ना, उसे आपसे दूर किया था, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, खफा हो गया मुझसे, वो रूट गया। वो लौट आएगा, सच, बिल्कुल सच। लेकिन अमीरुन्निसा तुम्हें एक वादा करना होगा, अब कभी उसे वो बनाने की कोशिश मत करना जो तुम उसे बनाना चाहती हो, बल्कि खुद को वो बनाने की कोशिश करना जैसा वो चाहता है, क्योंकि वो सच और हिदायत के रास्ते पर है। उसकी मोहब्बतों की कदर करना, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करना और उसके ख्यालात की रोशनी से अपने वजूद के अंधेरों को दूर करना, फिर देखना अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाबा आप कहाँ चले गए थे? एक जरूरी काम से गया था। बाहर बहुत सजावट है, सरीना आंटी का घर भी सजा हुआ। बाबा आप बहुत अच्छे मौके पर आए, आज जरीन बीबी की शादी है। वही जरीन बीबी जो अपने घर आती थी, पलवशा बीबी और शिंदाना बीबी की कजिन। मामा पापा कहाँ हैं? साहब तो जिया साहब के घर गए और मैडम ऊपर तैयार हो रही है। मैं चाय लाऊं आपके लिए? I'm sorry। बहुत तंग किया रहा मैंने आपको। मैं जानती थी आज तुम जरूर आओगे। फिर वही आंसू, तुम जानते हो ना मुझे रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। चलो आंखें साफ करो अपनी। आपने माफ कर दिया मुझे। मैंने तुम्हें माफ किया। माएं अपने बच्चों से कब नाराज होती? मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। आज सरीन की शादी है और हमें वहां जाना है। तैयार नहीं हुए क्या? जरीना की तरफ नहीं जाना? मैं बहुत थका हुआ था। और बुरी बात है बेटा, परसों से वो हमारे हमसाए हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो कितना बुरा महसूस करेंगे। उठो तैयार हो जाओ। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए सिलवाई है। मैं सोचती थी कि आज के दिन तुम आओगे ना तो फिर यही पहनोगे। लेकिन मामा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। मैं बाहर हूं, 10 मिनट में तैयार होकर आ जाओ। कादिर, हमने फैसला किया है, तुम्हारी और जरीन की शादी कर दी जाए।
मोहब्बत मर नहीं जाती, मोहब्बत सांस लेती है। कभी यादों की चिलमन से ये दिल से झांक लेती है। ये गर्दिश कैसी गर्दिश है, बहुत से रंग हैं जिसमें, धनक रंग ओढ़नी बनकर ये हमको ढांप लेती है। मोहब्बत मर नहीं जाती, मोहब्बत सांस लेती है। क्यों ये वही अंगूठी नहीं है? ये क्यों नहीं? मेरा नाम अब्दुल कादिर है।